अयन ले लीजिए, दो अयन होते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, यह है विश्वत वृत्त। विश्वत रेखा तो हमने पहले भी देखा, यह है मकर वृत्त, यह है कर्क वृत्त। यह 21 दिसंबर को होता है, यहां पर 21 जून। सूर्य जब मकर वृत्त से कर्क वृत्त की तरफ जाता है तो वो उत्तरायण कहलाता है, और जब कर्क वृत्त से मकर वृत्त की तरफ आता है तो वो दक्षिणायन कहलाता है। अयन होते हैं दो प्रकार के, एक तो दक्षिणायन और एक उत्तरायण। और एक है दक्षिणायन। यहीं पर एक 21 मार्च को और 21 सितंबर को यहां पर होता है वसंत संपात। यह है वसंत संपात, और यह है शरद संपात। देखिए मतलब क्या होता है, यहां पर सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है 21 दिसंबर, जब सूर्य मकर वृत्त पे होता है। मकर वृत्त पे, मकर राशि में तो जनवरी में पहुंचता है, मकर वृत्त पे पहुंच चुका होता है। मकर वृत्त पे जब होता है यहां पर सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, जब सूर्य कर्क वृत्त पे होता है। अब दक्षिणायन वो आएगा, इधर आएगा तो दक्षिणायन हो जाता है। जो मैं बता रहा था आपको वो ऋतुएं भी आप यहां ले लेंगे, शिव ग्री, तीन ऋतु तो इसमें हो गए, व स हे, तीन ऋतु इसमें दक्षिणायन में। शिव ग्री मतलब शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये उत्तरायण में तीन ऋतुएं होती हैं और दक्षिणायन में तीन ऋतुएं, वर्षा शरद और हेमंत, तीन ऋतुएं इसमें आ गई। ये दोनों जो होते हैं वसंत संपात और शरद संपात, इसमें 12 12 घंटे के, एग्जैक्ट 12 12 घंटे के दिन और रात होते हैं। 21 मार्च को और 21 सितंबर को 12 12 घंटे के दिन और 12 घंटे के रात। अयन हम समझ रहे हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिणायन में सूर्य विश्वत, ये विश्वत वृत्त है, कर्क वृत्त है और मकर वृत्त है। यहां पर 21 दिसंबर से शुरू होता है, 21 दिसंबर से 21 जून तक सूर्य उत्तरायण चलता है, जब ये तीन ऋतुएं होती हैं। इसको आप समझ लीजिए शिव ग्रीव सहे, शिशिर वसंत ग्रीष्म, ये तीन ऋतुएं उत्तरायण में हो जाती हैं और दक्षिणायन में व स हे, वस हे, यहां पर वर्षा शरद और हेमंत, ये तीन ऋतुएं हो जाती हैं दक्षिणायन में। वसंत संपात और शरद संपात, यहां पर 12 12 घंटे के दिन रात होते हैं। यहां पर 21 दिसंबर पे रात सबसे बड़ी होती है और 21 जून को रात सबसे छोटी, दिन बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिन। पक्ष विचार, पक्ष विचार में यह है दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। एक है कृष्ण पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष। चलिए इसके बाद तिथि है, ठीक है अब ये आप ठीक से ले लो। बनते कैसे हैं ये, ये पृथ्वी है,